हमारी कुकिंग ऑयल की फैट प्रोफाइल कैसी है, इससे पता चलता है वो हार्ट के लिए कितना सेफ है। अलग अलग ऑयल्स के फैट प्रोफाइल के बारे में और उनकी हार्ट की सेफ्टी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर हमारे कुकिंग ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो तो इससे हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऑयल में अगर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये ज्यादा है तो उससे हार्ट डिजीज का होने का चांस कम हो जाता है। ऑयल्स में अगर N3 फैटी एसिड या ओमेगा-3 फैटी एसिड ज्यादा है उससे ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद मिलती है, या दूसरे शब्दों में ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर ऑयल में N6 या ओमेगा-6 फैटी एसिड ज्यादा है तो वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के और भी कार्डियक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वैसो डायलेशन, आर्टरीज को थोड़ा डायलेट करना, एंटी अरिदमिक यानी कि रिदम एबनॉर्मलिटीज के चांसेस को कम करना। अलग अलग ऑयल्स में मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल अलग अलग होता है और इनका यही रेशियो इन ऑयल्स को बनाता है यूनिक। कौन सा ऑयल राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है कि ऑयल किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। उसको आप कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसको आप डीप फ्राइंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑयल की शेल्फ लाइफ कितनी है और ऑयल का खुद का फ्लेवर या क्वालिटी कैसी है। अगर बात की जाए ऑयल्स के हेल्थ बेनिफिट्स की तो ये डिपेंड करता है कि ऑयल्स का फैट प्रोफाइल कैसा है। बात करते हैं सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल की। ऑयल्स के ऊपर पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो के बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वो था मस्टर्ड ऑयल के बारे में। आफ्टर ऑल मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ इंडिया में यूज किए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कुकिंग ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में 70% मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसमें से 42% एरोसिक एसिड होता है और 12% ओलेइक एसिड। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में 22% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और सिर्फ 8% सैचुरेटेड फैट। सिर्फ कुछ टाइम पहले तक ही ऐसा माना जाता था इसी एरोसिक एसिड की वजह से मस्टर्ड ऑयल मे नॉट बी अ वेरी हेल्दी चॉइस। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मस्टर्ड ऑयल मे बी मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, लेकिन अब हमें ये पता है कि मस्टर्ड ऑयल में नियर आइडियल ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का रेशियो होता है। कितना? तो 6:5 का। मस्टर्ड ऑयल इसलिए भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है बिकॉज इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लेवल बहुत ही कम होता है, दैट इज अराउंड 8%। और मूफा यानी कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दोनों ही मस्टर्ड ऑयल में अच्छी खासी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में हो सकते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। कच्ची घानी एक टर्म बहुत सुनते हैं हम लोग, कच्ची घानी क्या होता है? कच्ची घानी इज बेसिकली कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल तो होगा ही, उसके साथ में मस्टर्ड की नेचुरल प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलेगी। दूसरा कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल के बारे में भी मस्टर्ड ऑयल के साथ में ही बात कर लेते हैं बिकॉज कैनोला ऑयल जिस प्लांट से डिराइव किया जाता है वो रफली मस्टर्ड प्लांट से मिलता जुलता होता है। इसमें भी हाई लेवल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और लो लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा इसमें भी फेवरेबल लेवल्स ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने कैनोला ऑयल को एक हेल्दी ऑयल बताया है। नंबर 3 ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को ज्यादातर लोग बेस्ट ऑयल कहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है बिकॉज इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में 75% तक मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें काफी सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी टायरोसोल। वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में क्या डिफरेंट है नॉर्मल ऑलिव ऑयल से? तो वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इनके बारे में कहा गया है कि इसमें ऑलिव ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वर्जिन ऑलिव ऑयल से हमें बेसिकली हार्ट डिजीज के पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर 1 ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। नंबर 2 ये एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कम करता है। नंबर 3 ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देता। और नंबर 4 इसमें वेसो डायलेशन यानी कि आर्टरीज को डायलेट करने की टेंडेंसी भी होती है।
सोयाबीन ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है सोयाबीन ऑयल में अप टू 51% तक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जा सकते हैं। कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? तो लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलेइक एसिड और ओलेइक एसिड। इसके अलावा 10-14% तक इसमें सैचुरेटेड फैट भी पाया जा सकता है। सोयाबीन ऑयल के बारे में एक चीज जो हमें और पता होनी चाहिए वो ये है कि इट शुड बी यूज्ड फ्रेश। Why? Because it turns rancid earlier. नंबर 5 पे है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल बनता है राइस के हस्क से और राइस के जर्म से। इसमें क्या होता है, तो इसमें लगभग 40% के करीब करीब इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मूफा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 33% तक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पूफा पाया जा सकता है और 20% तक इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इन फैटी एसिड्स के अलावा राइस ब्रैन ऑयल में विटामिन ई और गामा ऑरेगिनॉल जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन में मदद मिलती है। राइस ब्रैन ऑयल में कुछ फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं। ये फाइटोस्टेरॉल्स क्या करते हैं, तो फाइटोस्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। इसके अलावा राइस ब्रैन ऑयल का स्मोक पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है जो इसे बनाता है डीप फ्राइंग के लिए एक अप्रोप्रिएट चॉइस। इन ऑयल्स के अलावा 2 और ऑयल्स हैं जिनका कॉमनली कंजम्पशन होता है। पिछली वीडियो में हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ये हैं सनफ्लावर ऑयल और सैफ्लावर ऑयल। ऑयल्स के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है जरूर जाके देख लेना, लिंक ऊपर मिल जाएगा।